हाय फ्रेंड, आज आप सब लोग को मैं दिखाऊंगा कि ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी कैसे चलाते हैं। अभी आप देख सकते हैं फॉर्च्यूनर, और इसको ओपन किए हैं। ये देख लीजिए इसका आगे का डिकोर, और ये इसके ऑटोमेटिक गियर। ये पी लिखा हुआ है, जो ये इसकी पार्किंग, ये रिवर्स, ये न्यूट्रल, ये 4D, और ये जो 3 होता है, ये भी गाड़ी कहीं वैसी जगह पे या फिर चढ़ांग में या फिर बालू वगैरह में फंस जाती है, रेत जहाँ होती है, जहाँ की ज़मीन ठीक नहीं होती है, वहाँ के लिए गाड़ी को ज़्यादा मतलब जोर देने के लिए। और ये जो है टू लो एल, ये टू लो है, ये और ज़्यादा, यानी कहीं रेगिस्तान में वगैरह जहाँ गाड़ी बहुत ज़्यादा मतलब पावर चाहिए होता है, उसके लिए ये ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। और ये स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट करने के बाद इसमें सबसे पहले आप जो ब्रेक होता है इसका, ब्रेक पे ब्रेक दबाइए, उसके बाद जो इसका हैंड ब्रेक है वो नीचे करिए, ठीक है। हैंड ब्रेक करने के बाद, हैंड ब्रेक नीचे करने के बाद, उसके बाद फिर अपना डी, देख रहे हैं डी। अब डी के बाद आप ब्रेक जैसे छोड़ेंगे, गाड़ी अपने आप चलने लगेगी। एकदम सिंपल है, ये नहीं कि आप गियर वाली गाड़ी चला रहे हैं। ये ऑटोमेटिक गियर का फायदा यही है कि आपको बार बार गियर चेंज करना नहीं पड़ता है। सिंपल है, आप ये खाली रिवर्स के लिए आप आर में डालेंगे, बाकी आप कहीं पे भी चलाएं रोड पे, 4D लगा हुआ है, बस आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।